देश के साथ साथ आज से प्रदेश भर में भी बीजेपी ने अपना सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। 11 अगस्त तक चलने वाले इस सदस्यता अभियान में हिमाचल बीजेपी ने 5 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है, जिसके चलते जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पालमपुर में पूर्व सांसद शांता कुमार व केसीसी के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज ने सदस्यता अभियान का शुभारम्भ किया। दिल्ली में सरकार कल ही हमारी सरकार ने शानदार बजट लोकसभा में पेश किया और हम उस पार्टी की नई सदस्यता शुरू कर रहे हैं और किस दिन शुरू कर रहे हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के दिन उनके चित्र के सामने बैठकर। इससे और महत्वपूर्ण कार्यक्रम कोई नहीं हो सकता। सदस्यता के बारे में सारी बातें आपको बता दी गई। इस बार की सदस्यता बड़े तरीके से लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, उसको अच्छी तरह से समझ करके सभी कार्यकर्ता इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने जो भी लक्ष्य तय किया उसको पूरा किया है। मैं कांगड़ा चंबा के कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ करने के लिए। मैं मंडल की भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष जी को, बाकी सभी कार्यकर्ताओं मित्रों इस कार्यक्रम में आने के लिए स्वागत भी करता हूं, आप सबकी ओर से अभिनंदन भी करता हूं। संगठन पर्व, पर्व का मतलब त्योहार, तो आप तो इसके मतलब से समझ गए कि किस तरह से हमें यह कार्यक्रम चलाना है आने वाले समय में। जिस तरह से घर में जब त्योहार आता है तो हम कितनी तैयारी करते हैं, कितने शगुन मनाकर, कितने मन से, कितने उल्लास से हम उस त्योहार का इंतजार भी करते हैं, उस त्योहार को मनाते भी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसका नाम सदस्यता नहीं रखा। ये जो 6 जुलाई से 11 अगस्त तक कार्यक्रम होने वाला है, इसको संगठन पर्व के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। केवल इस बात से पता चल सकती है कि हम इस कार्यक्रम को, सदस्यता के कार्यक्रम को, एक पर्व के रूप में मनाएंगे, एक त्योहार के रूप में मनाएंगे। प्रदेश स्तर पर मुझे और श्रीमान राम सिंह जी को, जो हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं, इस कार्यक्रम की देखरेख करने के लिए दायित्व दिया गया है और दिल्ली में इसके निमित्त एक बैठक भी हुई थी 17 तारीख को। और इस कार्यक्रम की गंभीर, कितनी गंभीरता से ले रही है इस कार्यक्रम को पार्टी, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आज से हुआ है पूरे देश में जो अभियान है उसका शुभारंभ आज वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां से किया है, जिसका पूर्व में आप अभी सुन रहे थे, जो यहाँ पर लाइव सुनाया जा रहा था। हमारे जो हिमाचल प्रदेश से ही पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका संबोधन आपने अभी सुना। उसी कड़ी में ये कार्यक्रम पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सभी जगह हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सभी मंडलों में जाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी शिमला से इसका शुभारंभ कर रहे हैं। पूर्व में रहे मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी हमीरपुर सुजानपुर से इसका शुभारंभ कर रहे हैं। और इस कड़ी में हमारे बीच में आज हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान शांता कुमार जी, डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी यहाँ पर इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ है ये यहाँ पर किया जा। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए पालमपुर से कविता मिन्हास की रिपोर्ट।